जनपद में जंगल कौड़िया ब्लॉक पर कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि श्रावस्ती जनपद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ प्रदेश के सभी जिलों में किया गया, जिसको देखते हुए जिले में कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा भी स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया तथा स्कूल चलो अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक व अध्यापिका घर घर जाकर बच्चों के गार्जियन को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 30 अप्रैल तक प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा, जो भी बच्चे स्कूल जाने से छूट गए हैं और कोविड की वजह से जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है, उनको चिन्हित करके उनका विद्यालय में दाखिला करवाया जाएगा और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सक्रिय बनाते हुए पेरेंट्स मीटिंग का भी आयोजन होगा और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष रूप से बल देते हुए काम किया जाएगा। उन्होंने शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता देते हुए पढ़ाई करवाई जाए और विद्यालयों को कायाकल्प योजना के तहत बेहतर बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है, जिससे विद्यालय में स्पोर्ट्स सामग्री, लाइब्रेरी, पोस्टर चार्ट की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही सभी किताबें QR कोडेड हैं, जिसमें अच्छी सामग्री ऑनलाइन वीडियो पर उपलब्ध है, जिससे कि बच्चों में रीडिंग का अभ्यास हो रहा है। गणित भाषा में भी विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़े। इस अवसर पर कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, मैं अपने विद्यालय विकास में एवं प्रदेश प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश को प्रेरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के अपना अमूल्य योगदान दूंगा, अमूल्य योगदान प्रदान करूंगी। जय हिंद, जय हिंद। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रावस्ती जनपद में स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है और यहाँ पे भी हम शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में उपस्थिति में ये अभियान यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है, जहाँ गांव-गांव में गृह भ्रमण किया जाएगा प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा। जो भी बच्चे स्कूल से छूट गए हैं, विशेषकर जो बच्चियाँ जो ड्रॉपआउट होने की संभावना है, 2 साल के पेंडेमिक के बाद संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए चिन्हित किया जाएगा, उनका नामांकन सूचित किया जाएगा और अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ जो हमारी हैं, उनके सभी सदस्यों को सक्रिय बनाया जाएगा। पेरेंट टीचर मीटिंग नियमित रूप से आयोजन होंगे और शैक्षिक गुणवत्ता पे विशेष रूप से बल देते हुए काम किया जाएगा। हाँ, एक विशेष मॉड्यूल निदेशालय से प्राप्त हुआ है, जिसमें उपचारात्मक शिक्षा बच्चों के लिए करने के लिए किया गया है। कक्षाओं को आकर्षक एवं मनमोहक बनाने के लिए कायाकल्प के अंतर्गत संतृप्तिकरण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें 19 पैरामीटर में संतृप्तिकरण किया जा रहा है। विशेष सामग्री, शैक्षणिक सामग्री जैसे लाइब्रेरी की किताबें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पोस्टर, कन्वर्सेशन चार्ट्स किया जा रहा है। सभी हमारे पाठ्यक्रम QR कोडेड हैं, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी सामग्री ऑनलाइन वीडियो में उपलब्ध हैं। दीक्षा ऐप का प्रयोग, रीड अलॉन्ग ऐप का प्रयोग किया जा रहा है, बच्चों को रीडिंग कैंपेन के में जोड़ा जा रहा है।
ताकि बच्चों में रीडिंग का एक अभ्यास हो और उनकी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी बढ़े और गणित और भाषा में विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। ये सारे हस्तक्षेपों को शत प्रतिशत धरातल पर लागू करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं उनका मनोबल ऊंचा रहे, इसके लिए विशेष रूप से प्रयास किया जा रहा है। ये सभी अभियानों को समाहित करते हुए इस अभियान का इस सत्र का शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। उत्सव की तरह आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि बेहतरीन व्यवस्था रहे और शैक्षणिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के हो रहा अग्रसर है।